क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. क्वेश्चन 1, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. एंड सेकंड वन इज व्हाट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. गिवन क्या क्या है, कन्वर्जिंग लेंस गिवन है. दूसरा गिवन क्या है, यू ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस पे रखा हुआ है, इसीलिए हमने लिख दिया यू इज इक्वल्स टू 4. माइनस इसीलिए लगा दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है फ्रॉम साइन कन्वेंशन. उसके बाद वी का वैल्यू देखिए, वी ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा यही मुझे बताना है. प्लेस प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. ठीक है, इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 12 सेंटीमीटर पे हो रहा है लेंस से, लेकिन कैसा है इमेज, देखिए रियल इमेज है. तो कॉन्वेक्स लेंस में या फिर कन्वर्जिंग लेंस में रियल इमेज जो है हमेशा इस केस में बनता है जब वो राइट साइड में बने. तो लेंस रहता है और राइट साइड में इमेज बनता है तो वो सारे इमेजेस रियल होते हैं, इसलिए ये रियल इमेज के लिए पॉजिटिव. अगर वर्चुअल बनता तो ये सामने बनता, एक ही केस होता है ना. ये देखिए ऐसा ऐसा हमने देखा था, ये एफ रहता है, ये ओ रहता है, ऐसा इधर चला जाता है, फिर इधर चला जाता है, फिर ऐसा 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 यहाँ पर. ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ हमारा, ये वर्चुअल इमेज क्योंकि ये डॉटेड ट्रेस से हुआ है. यहाँ पे फॉर्मेशन अगर होता तो हम लोग बोल सकते थे कि रियल इमेज है, लेकिन रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज ही है. वर्चुअल तो नहीं है, रियल है, इसीलिए इधर के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया है. ये समझ गए. आगे बनाते हैं इसको. फ्रॉम लेंस इक्वेशन देखिए ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम लेंस इक्वेशन. लेंस इक्वेशन क्या है, 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे. 1 बाय एफ का वैल्यू हमें फाइंड करना है, 1 बाय वी जो है वो पॉजिटिव है तो चलिए 12 रखा, माइनस 1 बाय माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 4. अब क्या किया, 1 बाय 12 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4, 4 और 12 का एलसीएम लिया जो कि होता है 12, 12 वन जा 1, 4 3 जा 12 प्लस 3 दैट इज 4 बाय 12. क्या किया, 1 बाय f इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 हो जाएगा ना रेसिप्रोकल 4 3 जा. अब रेसिप्रोकल कर दीजिए f और ये ऊपर 3 सेंटीमीटर. f जो है उसका वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आया है. पॉजिटिव वैल्यू बताता है कि लेंस जो है वो हमारा कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है. चलिए इसको नोट करिए. अब हम लोग फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन. अब सेकंड वाला कर लिया, अब फर्स्ट वाला करते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी एफ का वैल्यू हमें पता है जो है पॉजिटिव. अब क्या करना है हमें, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है. अभी आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है किसी लेंस का, वी अपॉन यू होता है, वी अपॉन यू, वी अपॉन यू. ऐसा कर लीजिए, वी का वैल्यू देखिए क्या 12 है, यू का वैल्यू माइनस 4 और माइनस 3 जो आया वो हमारा आया मैग्निफिकेशन माइनस 3. मीन्स क्या है, एक क्या ड्रॉ करना है, ये रे डायग्राम ड्रॉ करना है. तो एक लेंस बना लीजिए, सबसे पहले लेंस, ऐसा लेंस बनाया, आप ये भी कर सकते हैं, m is equals to एक और फॉर्मूला है h2 by h1. इसी फॉर्मूला से minus 3 is equals to h2 by h1, h2 is equals to minus 3h1. देखिए ये रिलेशन हमको क्या बताता है, h2 is equals to क्या है, minus of 3h1. ये रिलेशन बताता है कि H1 जो है height of object, height of object, और H2 जो है H2 height of image, image. तो ये relationship क्या बताता है, H2 is equals to minus 3H1 जो है कि object का height अगर 1 centimeter का है तो image का height कितना centimeter का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा. अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज का हाइट 6 सेंटीमीटर, 3 गुना हो जाता है. अगर ऐसा करें, इफ h1 इज इक्वल्स टू 2 देन h2 इज इक्वल्स टू कितना 6,
ये प्लस माइनस बाद में बात करते हैं, मतलब क्या समझे हम लोग कि ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर हाइट का है तो उसका इमेज जो बनेगा वो 3 सेंटीमीटर हाइट का बनेगा, माइनस माइनस साइन जो है वो बताता है बस कि ये जो है उल्टा है। देखिए अब फिर अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए, चलिए ड्रॉ करते हैं ऐसा, ये ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को रखा और एक रे इधर से गया हमारा, फिर ये रे इधर से गया, ये रे इधर से गया, ए बी ऐसा रे गया, ये एफ है हमारा। यहाँ पे जो बना है इमेज तो ये हमारा जो रहेगा ए डैश बी डैश जो रहेगा ये 3 टाइम रहेगा, ये देखिए एच टू इज इक्वल टू माइनस 3H1 और ये H1 रहेगा, ये हमारा रे डायग्राम। बस नोट करिए इसको।